बलिया के फेफड़ा थाना इलाके में सोमवार को एक पत्रकार रतन कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों का आरोप है कि जमीन को लेकर उनकी ग्राम प्रधान और कुछ और लोगों से पुरानी रंजिश चल रही थी। हालांकि बीच में दोनों पक्षों में सुलह समझौता भी हुआ था। सोमवार को एक बार फिर से विवाद हो गया और इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि के भाई ने उन्हें गोलियां मार दी और जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पर पुलिस के मुताबिक मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश अभी जारी है। मामले में फेफड़ा एसओ शशि मौली पांडे को सस्पेंड भी कर दिया गया। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने साफ तौर पर कहा कि हत्या के पीछे पत्रकारिता कोई वजह नहीं है, बल्कि जमीन विवाद में हत्या हुई। ये घटना का ये 5-6 आदमी गुटबंदी थे जी, जिसमें मेन थे दिनेश सिंह जी, दिनेश सिंह, उदय सिंह, एक संजय सिंह जी, और झब्बर का पूरा परिवार जी, यही लोग गुटबंदी करके ये लोग घटना कराए। झब्बर सिंह ये प्रधान है, इसकी औरत प्रधान है और उसी का भाई छोटा सोनू गया था बुलाने के लिए। इस हत्या का मुख्य कारण उनके पड़ोसी से उनका जमीनी विवाद था। जिस जमीन को लेकर के विवाद था, उस जमीन पर मृतक पत्रकार के घर वालों ने पुआल रखा हुआ था। दूसरे पक्ष ने लाकर वहां पर धान की भूसी रख दी थी। इसके बाद दोनों पक्षों में गहमागहमी हुई, वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके क्रम में फायरिंग से पत्रकार रतन सिंह की डेथ हुई है। इसमें मौके से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य जिन आरोपियों को उन्होंने और अतिरिक्त बताया है, उनकी धरपकड़ के लिए तत्काल पुलिस लग गई है। बहुत जल्दी ही सारे आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। इस घटनाक्रम में कहीं से भी पत्रकारिता का कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसके कारण हत्या की घटना हुई हो। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता पवन सिंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है इस पर? अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं, क्या वाकई में वही आरोपी हैं? अभी पुलिस क्या कुछ कर रही है इस पर? हाँ, देखिए नैन्सी, तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा जो अभी अपडेट है, उसमें एक और अभियुक्त मोती सिंह है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके अलावा दो और अभियुक्तों की तलाश जारी है। देर रात तक जो पत्रकार हैं, तमाम जो वहां के लोग हैं, उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर रखा था। जो पुलिस अधिकारी थे उनको मनाने में लगे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरीके से हत्या, पहले लाठियों से पीटा गया, फिर उसके बाद गोली मार दी गई, और वहां से महज जो थाना है वो 100 मीटर की दूरी पे है। यानी जो घटनाक्रम जहाँ पे घटित हुआ है, वहां से जो थाने की दूरी है वो 100 मीटर से ज्यादा नहीं है। लिहाजा पुलिस कहाँ थी इतनी देर तक? घटनाक्रम होता रहा, लाठी डंडों से लोग मारते रहे, जो पड़ोसी है वो मारते रहे, उसके बाद गोली मारने का काम किया। पहले जाकर के रतन सिंह को एक व्यक्ति बुला करके लाता है, फिर बातचीत वहां पे करने के बाद लाठी डंडों से उनकी पिटाई की जाती है, उसके बाद उनको गोली मारा जाता है। तो जो पुलिस है वो मूक दर्शक बनी रहती है। क्या उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है? जो बीट इंचार्ज थे उनका क्या रोल था? तमाम ऐसी बातें हैं जिससे लगता है कि पुलिस जानबूझ करके वहां नहीं पहुंची, इसलिए पत्रकारों में रोष था और पत्रकार धरने पर बैठ गए। उनका साफ तौर से मानना था कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यहाँ तक कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो सर्किल ऑफिसर है, उन लोगों को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जो थाना इंचार्ज है, जो ब्रीट इंचार्ज है, उन लोगों की लापरवाही सीधे तौर पर इसमें दिखाई देनी थी। सुभाष चंद्र दुबे, उन्होंने जो बयान दिया, और खास तौर से लखनऊ से बड़े अधिकारी, क्योंकि लखनऊ के भी पत्रकार लगातार इस मामले पे बड़े अधिकारियों से रात भर अपडेट लेते रहे जी। किस तरीके से इतनी बड़ी घटना हो गई, उस पर एसीएस सोम ने भी जानकारी दी। रात को ही बताया कि तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी बाकी है, जिसमें पुलिस धरपकड़ कर रही है। लेकिन पत्रकारिता से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपस में जमीनी विवाद है। पहले भी एक बार इस जमीन को लेकर के, इस मसले को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ था, लेकिन आपस में समझौता के बाद ये मामला शांत हो गया था। लेकिन कल अचानक इस घटना ने फूल पकड़ा और आपसी विवाद में पत्रकार रतन सिंह की जान गई, जिसके बारे में जो भी उसके पीछे तथ्य है उसको खंगाला जा रहा है। जो भी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
तो ये लोग आते हैं, गोलियां बरसाते हैं और चले जाते हैं, क्या किसी ने कुछ उस वक्त देखा नहीं और किस तरह से मारा गया? अभी पुलिस इस पर क्या जांच कर रही है? देखिए, वहाँ के जो एसएसपी है, एसपी हैं जो, और बलिया के, उसके अलावा जो वहाँ पे अधिकारी जो मौके पे गए और जो वहाँ पे चश्मदीद हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि रतन सिंह को पहले मारा गया, यानी लाठी डंडों से उनकी पिटाई की गई, उसके बाद उनको गोली मार दिया गया, उसके बाद उनकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया।